90% लोगों को ये लगता है कि पिटबुल्स काफ़ी खतरनाक डॉग होते हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको पिटबुल के बारे में 10 ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप पिटबुल के लिए बस यही बोलोगे, ओह गॉड, एक बार दिला दे। अगर आप पिटबुल लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको पिटबुल लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज के हमारे इस वीडियो का लाइक हमें 3000 लाइक्स के लिए, तो आई होप आप 3000 लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे। टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ पिटबुल। नंबर 1, पिटबुल्स आर सुपर लॉयल डॉग। नो डाउट हर एक डॉग अपने ओनर के लिए लॉयल होता है, बट पिटबुल की लॉयलिटी अपने ओनर के लिए डिफरेंट लेवल की होती है। ये डॉग्स अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। ये डॉग्स अपने ओनर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। आपने ऐसे भी पिटबुल्स देखे होंगे जो कि किसी की बात नहीं मानते, बस अपने ओनर की ही बात मानते हैं, तो ये इनकी लॉयलिटी होती है इनके ओनर के लिए। ये डॉग्स अपने ओनर और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिटबुल को सुपर लॉयल डॉग्स ऐसे ही नहीं कहा जाता। सेकंड बेनिफिट है, पिटबुल आर प्लेफुल एंड एनर्जेटिक। नो डाउट पिटबुल काफ़ी एक्टिव डॉग्स होते हैं, हाई एनर्जी लेवल वाली डॉग ब्रीड है। आप पिटबुल के साथ कितने भी वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो, आप थक जाओगे, बट पिटबुल्स नहीं थकते हैं क्योंकि ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पिटबुल को छोटे बच्चों के साथ खेलना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अपने ओनर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप पिटबुल लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको पिटबुल को जो है डेली एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये डॉग्स एक्टिव होते हैं तो इनको डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। एंड जब आप इन्हें एक्सरसाइज करवाने के लिए लेकर जाओगे तो आपको जो है इन्हें अच्छी तरीके से सोशलाइज करवाना चाहिए ताकि ये ज़्यादा एग्रेसिव ना बने। थर्ड बेनिफिट है, पिटबुल्स आर ऑल वेदर डॉग्स। आपने कई बार सुना होगा कि साइबेरियन हस्की को इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब गर्मियाँ आती है, बट ऐसा पिटबुल के साथ नहीं होता है। पिटबुल का शॉर्टकट होता है तो ये इंडिया में किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वेदर में अडॉप्ट हो जाते हैं, और ये डॉग्स काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं तो इंडियन एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ये हर जगह अडॉप्ट हो जाते हैं, और पिटबुल्स को ऑल वेदर डॉग्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने डॉग के लिए बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो जैसे कि लीश, केज, बेल्ट, हेयर ब्रश, डॉग फूड, शैम्पूज, नेल कटर्स, जो चीज़ें डॉग के लिए डेली यूज़ होती है, अगर ये प्रोडक्ट्स आप अच्छे प्राइस में खरीदना चाहते हो तो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सो एक बार चेकआउट कर लेना, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फोर्थ बेनिफिट है, पिटबुल आर स्ट्रांग एंड हेल्दी डॉग्स। पिटबुल की अगर आप फिजिकल कंडीशन देखोगे तो ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड काफ़ी मस्कुलर होते हैं। इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिससे ये डॉग्स काफ़ी हेल्दी होते हैं एंड ये डॉग्स जल्दी से बीमार नहीं आते। पिटबुल वन ऑफ द हेल्दीएस्ट डॉग ब्रीड में से एक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है किसी भी डॉग के लिए। फिफ्थ बेनिफिट है, पिटबुल्स आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट डॉग में आपने ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड, बॉर्डर कॉली, गोल्डन रिट्रीवर, इन डॉग्स के नाम सुने होंगे, बट पिटबुल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड कई कंट्रीज़ में इन डॉग्स को पुलिस में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप पिटबुल को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हो तो ये डॉग्स भी जर्मन शेफर्ड जितने इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी तरह ही ये पुलिस मिलिट्री में काम कर सकते हैं। बेनिफिट है, पिटबुल्स आर गुड विद चिल्ड्रन। ऐसे देखा जाए तो आपको कई लोग बोलते होंगे कि पिटबुल अच्छे फैमिली डॉग्स नहीं है, अगर आपको एक फैमिली डॉग चाहिए तो आपको पिटबुल नहीं लेना चाहिए, बट वो सब पूरा डिपेंड करता है उसके ओनर पर। अगर आप चाहो तो एक पिटबुल को लैब्राडोर जितना फ्रेंडली बना सकते हो, बस उसको जो है आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी और उसे जो है अच्छी तरीके से सोशलाइज करवाना होगा। देखो, ऐसे बात नहीं है कि पिटबुल्स अच्छे फैमिली डॉग्स नहीं होते, ये डॉग्स छोटे बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, बस आपको जो है इनको अच्छे तरीके से सोशलाइज करवाने की ज़रूरत होती है। आपको जो है पिटबुल को सोशलाइज करवाने में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे क्योंकि ये डॉग जो है बचपन से थोड़े बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज डॉग कैसा बनेगा ये पूरा उसके ओनर पर डिपेंड करता है। हे गाइज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सेवंथ बेनिफिट है, पिटबुल्स आर एक्सेलेंट गार्ड डॉग। पिटबुल को बेस्ट गार्ड डॉग में से एक माना जाता है एंड ये डॉग्स ये बात हर बार प्रूफ करके दिखाते हैं। इंडिया में एज अ गार्ड डॉग ज़्यादातर लोग जर्मन शेफर्ड ही पालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पिटबुल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बट अगर आप अमेरिकन कंट्रीज़ में देखोगे तो पिटबुल को ही ज़्यादातर लोग पालते हैं, बिकॉज पिटबुल जो है नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं। 8 नंबर का बेनिफिट है, पिटबुल्स आर लो मेंटेनेंस डॉग। आप सबको पता होगा जैसे अगर हम जर्मन शेफर्ड पालते हैं या फिर साइबेरियन हस्की पालते हैं तो उनके ग्रूमिंग पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है, जैसे कि उसमें शैम्पू, सोप्स, कंडीशनर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं, तो हमें जो है उन पर ज़्यादा खर्च होता है, बट पिटबुल का शॉर्टकट होता है तो हमें उनके ग्रूमिंग पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं खर्च करना पड़ता, बस जो है डॉग फूड का कॉस्ट जो होता है वही हमें उसे देना पड़ता है। अगर आप पिटबुल को पालते हो तो उसे पालने में कम खर्चा लगेगा कंपेयर टू साइबेरियन हस्की या फिर जो महंगी डॉग ब्रीड्स आती है लॉन्ग
हेयर्स के साथ, तो उनको पालने में आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा। और अगर आप पिटबुल को पालते हो तो उस पर ग्रूमिंग कॉस्ट का जो खर्च होता है वो काफ़ी कम होगा। 9th नंबर का बेनिफिट है अनकंडीशनल लव विथ ओनर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पिटबुल्स अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, बिकॉज ये अपने ओनर से अनकंडीशनल लव करते हैं जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिकॉज ये डॉग जो है अपने ओनर के साथ ही रहना पसंद करते हैं, इन्होंने जो है बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, इनका ओनर ही इनके लिए सब कुछ होता है। बिकॉज ये डॉग्स अपने ओनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड इनको जो है बस अपने ओनर के साथ ही रहना पसंद होता है। 10th नंबर का बेनिफिट है पिटबुल्स आर इजी टू ट्रेन, हार्ड टू ट्रेन। कई लोगों को ये लगता है कि पिटबुल को ट्रेनिंग देना काफ़ी आसान होता है और कई लोगों को ये लगता है कि इन डॉग्स को ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था कि अपने ओनर पर डिपेंड करता है कि उसका पिटबुल एग्रेसिव बनेगा या फिर फ्रेंडली बनेगा। कई सारे लोग जो है अपने पिटबुल को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना देते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिटबुल को ज़्यादा फ्रेंडली बना देते हैं। आपको जो है अपने पिटबुल को ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं बनाना है एंड ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं बनाना है। ज़रूरत पड़े तो आपका पिटबुल आपको गार्ड भी कर सके एंड वो जो है आपका एक बेस्ट फ्रेंड भी बन सके। आपको इस तरीके से उसे जो है ट्रेन करना होगा। सो पिटबुल को ट्रेनिंग देना आसान है या नहीं ये आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।